मैं आपको आज अरक बनाना सिखाऊंगी। देखिए, एक पुरानी देगची ले लीजिए इस तरह से। आप स्टील का बर्तन मत यूज कीजिए, इस तरह जस का बर्तन या वो सभी पैन है तो आपके पास प्लास्टिक पुराना उसको भी यूज कर सकते हो। नया पैन में मत यूज कीजिए, खराब हो जाएगा, फिर यूज नहीं कर सकोगे आप। इस तरह से रख के एक कप चीनी ली हूँ मैं, इसमें ऐड कर देंगे और आधा कप कॉफी पाउडर। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप 2 स्पून कॉफी का पाउडर ले तो 4 स्पून चीनी लेना है। देखिए, इस तरह से मिक्स करने के बाद अभी फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम में रख लेंगे। देखिए, इस तरह से साइड से डाल के बीच में इस तरह से गैप कर दीजिए। इस तरह से करने के बाद एक खाली, देखिए इस तरह से कटोरी लेके इसको इस तरह से रख लीजिए। रखने के बाद इसके ऊपर एक प्लेट ढक देंगे। प्लेट ढकने के बाद प्लेट के ऊपर से पानी डाल देंगे। इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल दीजिए। देखिए, इस तरह से इसको, इसमें गैप नहीं रहना चाहिए। देखिए, इस तरह से गैप नहीं रहना है। अब गैप होगा तो दूसरा बर्तन यूज कीजिए, जो फिट आता है ना उसका, उस तरह से बर्तन यूज करके इसको मीडियम फ्लेम में कम से कम 20 मिनट रख देंगे। देखिए दोस्तों, मीडियम फ्लेम में कम से कम 15 से 20 मिनट हो गया है। देखिए, ये पानी भी बहुत गर्म है। अब ध्यान से निकालिए, यही पानी गर्म होके इसमें अरक बनता है। ये बहुत गर्म है, ध्यान से निकालिए। देखिए, ये भाप के पानी से ये अरक बनता है, ये इस तरह से हो जाता है, ये गर्म रहता है। ध्यान रखिए, इसको निकाल के फेंक देना है। आप दोबारा इसको, इस देगची को इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, इसको निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से है ये। इसको ठंडा होने के बाद आपका, देखिए इस तरह से हो गया है ये। इसको अच्छे से साफ करके फिर भी आप इसमें अरक बना सकते हो। एक अरक को हम इसमें कटोरी में निकाल लेंगे। इसको एक कटोरी लेके देखिए कैसा है। यही अरक है दोस्तों, बहुत अच्छा रहता है, बिना केमिकल का घर पे आसानी से बना सकते हो। इसको ठंडा होने देंगे। इसमें और एक चीज मिलाना है, आपको बताऊंगी मैं। देखिए दोस्तों, ये अरक ठंडा हो गया है। इसमें मैं जो चीज मिलाना करके बोली ना, इसमें मैदा है दोस्तों। मैदे को मिक्स कर लेंगे, देख के मिक्स करेंगे कितना लगेगा करके। इसमें 1 टीस्पून और एक आधा, देखेंगे फर्स्ट मिक्स करके, 1.5 मिक्स करी हूँ। देखिए दोस्तों, एक छोटा बीटर लेके मैं इस तरह से इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ। चम्मच से ये घंटी बन रहा है। और थोड़ा मैदा ऐड कर लेंगे, देखिए इस तरह से है। और उसको थोड़ा गाढ़ा करना है, ये नाखून पे टिकेगा नहीं, इसलिए इसमें और एक आधा टीस्पून मैदा ऐड कर रही हूँ मैं। पूरा 2 टीस्पून मैदा ऐड करी हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है, इस तरह से होनी चाहिए। नाखून पे लगाने से भी ये टिकेगा अच्छे से। इसको हम कोन बना के कोन में भर देंगे। देखिए दोस्तों, हम इस तरह के कोन बना के रख लिए हैं। देखिए, जितना हम बनाए थे उसमें से इतने 3 कोन हो चुके हैं। आप इस तरह से देखिए कोन बना के थोड़ा कट करके, देखिए लगाने से थोड़ी देर बाद येलो कलर में आएगा। आप इस तरह से मत सोचिए कि इतना लाइट कलर आया है, 3 बार लगाने से एकदम डार्क मैरून कलर आ जाएगा। देखिए, इस तरह से इसी के ऊपर से क्लीन से एकदम 1 से 3 बार लगाइए, एकदम मैरून कलर आ जाएगा। हाथ में लगा के इसी तरह का फोटो पोस्ट करेंगे, आप देख सकते होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।